वेलकम टू रॉकी पीएलसी क्लासेस। तो ये मैंने कुछ रूल्स ऑफ पीएलसी लिखा हुआ है, एक तरफ इनपुट है एक तरफ आउटपुट है, तो दोनों का डिफरेंस किया हूँ मैं। तो ये हर पीएलसी में एप्लीकेबल है, लैडर लॉजिक में। तो देख लीजिए एक बार, पॉइंट नंबर वन को डिस्कशन करते हैं। इनपुट कैन बी सीरीज एज वेल एज पैरेलल। मैंने आप लोग को पैरेलल और सीरीज के बारे में बता चुका हूँ। ये सीरीज का फॉर्म है, ये पैरेलल का फॉर्म है, ठीक है। ये सीरीज, ये पैरेलल, ये क्या बता रहा है, इनपुट कैन बी सीरीज एज वेल एज पैरेलल। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आउटपुट कैन नॉट बी सीरीज, दे कैन ओनली पैरेलल। आउटपुट बोल रहा है सीरीज में नहीं होता है, ओनली पैरेलल में हो सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हम लोग लिए हैं आई 0.0 को दो पैरेलल में लिए हैं आउटपुट, तो ये हो सकता है Q0.0 Q0.1, ये हो सकता है, दो एक इनपुट देके दो आउटपुट निकल सकता है, ठीक है, या दो इनपुट देके दो आउटपुट निकल सकता है, ये सही है। लेकिन ये वाला गलत है, आई 0.0 ये एक दोनों मतलब एक इनपुट देके या दो इनपुट देके, इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो आउटपुट सीरीज में नहीं हो सकता है, ये वाला हम लोग का गलत है, ठीक है। पहला जो डिफरेंस आया हम लोग का, आउटपुट में हम सीरीज में नहीं ले सकते हैं, पहला डिफरेंस आप याद कर लीजिए। उसके बाद सेकंड डिफरेंस में आ जाइए, सेकंड डिफरेंस बता रहा है इनपुट एड्रेस कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम एज इनपुट। इनपुट का जो एड्रेस है, ये इनपुट का एड्रेस है, कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम एज इनपुट, मतलब ये बोल रहा है इनपुट का जो एड्रेस है ये वाला, ये मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है, मतलब आई 0.0 यहाँ पे भी आई 0.0, उसके बाद और एक भी, मतलब सेम एड्रेस यूज हो सकता है, दो बार तीन बार दस बार भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आउटपुट में क्या बोल रहा है, नहीं हो सकता, मतलब Q0.0 Q0.1 होना ही चाहिए, दो आउटपुट सेम एड्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है, ये वाला हमारा रॉन्ग है। मतलब इनपुट एक हो सकता है, एक एड्रेस हो सकता है दो इनपुट में, लेकिन दो आउटपुट एक एड्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड डिफरेंस है। इसको और एक बार समझते हैं आप लोगों को। मान लीजिए हम लोगों का यह इनपुट है, ये आई 0.0 क्यू 0.0 ये निकला, ठीक है, आई 0.0 क्यू 0.0, मतलब यहाँ पे हम आउटपुट को अलग ही लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्यू मतलब आई 0.0 आई 0.1 यहाँ पे आउटपुट को अलग नहीं लेंगे तो ये गलत होगा, ये हम लोग का लॉजिक में अप्लाई नहीं होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। थर्ड डिफरेंस में आ जाए, इनपुट एड्रेस कैन नॉट यूज एज आउटपुट। इनपुट एड्रेस को हम लोग आउटपुट में यूज नहीं कर सकते हैं, इनपुट एड्रेस को आउटपुट में यूज नहीं कर सकते, इसको ये यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला तो यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं Q01, तो ये वाला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये वाला भी यहाँ पे क्यूज, ये सही है लेकिन यहाँ पे यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। आउटपुट एड्रेस कैन यूज एज इनपुट, आउटपुट एड्रेस को, ये एड्रेस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एड्रेस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये आप लोगों का बेसिक रूल्स ऑफ पीएलसी है, ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप जब आगे बढ़ेंगे ये आप लोगों को पता चल ही जाएगा, इतना डिफिकल्ट चीज है ही नहीं है, ठीक है।